लेकिन कनेक्ट आप इसको कभी भी किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सीरियल जीरो से कनेक्ट कर रहा हूँ ऊपर वाला तो नीचे वाला भी सीरियल जीरो से कनेक्ट होगा। आप सीरियल वन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सीरियल वन से कनेक्ट कर रहा हूँ, ये इस तरीके से राउटर कनेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट भी मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, इसका काम नहीं है कोई। भी राउटर को पावर देना है, राउटर को पावर देना है। तो ये मेरे पास पावर कॉर्ड है, आप देख सकते हैं ये पावर कॉर्ड। इस पावर कॉर्ड को मैं राउटर में कनेक्ट कर रहा हूँ पावर पे, और इसको मैं पावर दे देता हूँ। दूसरा एक और पावर कॉर्ड है, इस पावर कॉर्ड को मैं सेकंड राउटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। और दोनों को मैं पावर दे देता हूँ। स्विच ऑफ कर रहे हैं, कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये पावर स्विच है, इसको मैं ऑन करता हूँ। जैसे मैंने पहला पावर स्विच ऑन किया, ये देख सकते हैं ऑन हो गया। अब सेकेंड भी ऑन करता हूँ, सेकेंड का एलईडी ब्लिंक किया है, ये राउटर दोनों चल गए हैं। यहाँ मैं आपको आगे शो कर रहा हूँ फ्रंट पैनल पे, फ्रंट पैनल पे आप देख सकते हैं राउटर्स की एलईडी ग्लो करते हुए, एक्टिविटी एलईडी एंड सेकंड पावर एलईडी एंड आरपीएस एलईडी ग्लो कर रहे हैं। राउटर्स को पावर ऑन करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके लिए इसका कंसोल लेना होता है। कंसोल लेने के लिए आपको कंसोल केबल की ज़रूरत होगी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल केबल है, ये है कंसोल केबल, ये कंसोल केबल का RJ45 कनेक्टर है। इसको मैं राउटर के कंसोल पोर्ट पे लगाऊंगा। देन सेकेंड एज केबल का, कंसोल केबल का ये है, ये 9 पिन का सीरियल फीमेल कनेक्टर है। इसको आप कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे, जिसको हम कॉम पोर्ट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं सिस्टम के बैक पैनल पे, यहाँ आप देख सकते हैं ये जैसे आप PS2 पोर्ट के नीचे ये होता है, यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर देंगे और देन आप कनेक्ट करने के बाद, सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं पावर ऑन हो गया है, राउटर हमारा कनेक्ट भी हो गया है। अब हमें राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप राउटर का कंसोल एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज 7 में हाइपर टर्मिनल या पुटी, इन दोनों सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप यूज़ करके राउटर का कंसोल एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं।